सर जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको कितने की सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। आप ठीक ठाक हैं? हाँ थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा ज्यादा। सिर्फ एक सेगमेंट करके ये माइक थोड़ा सा यहाँ करना। हाँ गला क्यों खराब है आपका भाई? गला मेरा इसलिए खराब है कि पता नहीं क्यों खराब है, शरबत वगैरह पी लेते हैं ठंडा ठंडा। वैसे वैसे ठंडा नहीं पीती, कभी कभार थोड़ा सा भी दिल चाहता है ना ठंडा पीने को, तो वो गला कहता है बस अब नहीं पीना। तो बस अब इसका बेहतरीन इलाज है मेरे पास। वो क्या? WBY हमारी एक कंपनी है, उनका ब्लैक सीड ऑयल। अच्छा, वैसे बाकी मैं मुझे बड़ा फाका रहा था। कल मैंने इनसे पूछा, मैंने कमरे में था कल सर, पहले मैं इस्तेमाल करती थी, वो खत्म हो चुका है। अब आएगा हमने इनके टाइम आएगा तो फिर दोबारा से इस्तेमाल करूंगी। फ्री भेजे भाई ये, ठीक है बाबा आपको भेज देंगे। हमने मार्केटिंग का सोचा था कि चलो एक आध बिक जाएगा, लेकिन तो उलट हो गया, गले पड़ गया वापस। बहुत ही अच्छी WBY हमारी की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती है और मैं यूज करती हूँ। किचन सेगमेंट की तरफ चलते शुरू खुद कर रहे हैं और मैं जरा कुछ बोल दूँ। चले तो आज बनाएंगे पार्मेसान चिकन बनाएंगे हम जी। पार्मेसान चिकन बनाएंगे, पाकिस्तान चिकन बनाएंगे। हमारे पास मैं भूल गई, मुझे हैंड वॉश करना था। देखिए कुकिंग से पहले मैं आप सबको कहती हूँ कि हाथ धोना है और मैं ही भूल जाती हूँ, क्योंकि कुकिंग से पहले हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बातें इतनी जो करवा देते हैं ना, तो हमने लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश से मैं हैंड वॉश करूंगी और ये देता है आम साबुन के मुकाबले में 100% ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्गर हिफाजत, वो भी सिर्फ 10 सेकेंड है ना। अच्छी बात, तो आपको अपने हैंड वॉश ज़रूर करने चाहिए। अच्छा अब जो है मैं आपको यहाँ पे चिकन निकाल के दे देती हूँ ताकि आप लोग फटाफट इसके मसाले जो है इसको मैरिनेट करें। यहाँ पर चिकन है, ये मैं ब्रेस्ट पीस है, मैंने बहुत ही इसके फ्ले काट लिए हैं बहुत ही बारीक बारीक से ताकि कुक होने में। ऐसे फ्ले जो है वो थाई पीसेस की कट सकते हैं? थाई पीसेस के हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा जूसी नहीं होंगे? नहीं, उसको टाइम लगता है ना पकने में। थाई पीसेस? थाई पीसेस कौन से थाई पीसेस कह रहे हैं आप? रान के पीसेस? हाँ। ना हाँ, तो पकने में टाई चिकन है जल्दी बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसकी थाई पीसेस की बात कर रहा हूँ। हाँ इसके, के थाई पीसेस? इसके नहीं, इसके ब्रेस्ट पीस। थाई पीसेस कैसे निकलेंगे? तो निकलेंगे वो ड्रम स्टिक बनेंगे ना, वो मैंने बोला पता नहीं आप वो उसकी बात कर रही हैं, बीफ की। क्या बात हो रही है? अरे आप आपकी बारी, लेकिन ये बनाएंगे ना शरबत, छुट्टी तो किसी को भी नहीं है, छुट्टी नहीं है। क्या करूं? मेरे ख्याल से ना इनको ये दे देते हैं, इनको ये बड़ा प्यार है ना। हाँ इनको कुछ चम्मचों की जरूरत भी है। दोनों भाई लग जाए, सही है 1 टीस्पून। और इसके अलावा ये है अदरक का पाउडर और ये उसका लहसुन का पाउडर, लहसुन का पाउडर, ठीक है। अच्छा अदरक लहसुन का पाउडर कितना डालना? ये थोड़ा थोड़ा डालें, 1/2 टीस्पून डाल दें। हाँ सही है, आपने ये ऐड कर लिया? हाँ हाँ। ये कैसे फास्ट है? 1 टीस्पून नमक ऐड कर लें इसके अंदर। सिर्फ आप फनी नॉटी नहीं है, फास्ट भी है। बहुत ऐसा। और इसमें हमने ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब इसके स्पून से हाँ और भर के उसको मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करें। जब तक मैं वेजिटेबल्स को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। ये हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, कितना आसान है। लेकिन घर में जब आप फ्ले बनाएंगे तो इसको आपने 3 से 4 घंटे इसको आपने मैरिनेट रखना है, इसको रेस्ट देना है। जब तक इसको आप रेस्ट नहीं देंगे तो उसके अंदर मसाला प्रॉपर तो नहीं जाएगा। एक अलग से रेस्ट करवा के ले आती है इसको। हाँ। तो फिर मसाले कैसे पता लगेंगे? सॉस सोया सॉस चल रही है, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। सॉस सोया सॉस चल रही है, आप जाग रहे हैं, ये रेस्ट कर रहा है आप जाग रहे हैं, ये कमाल नहीं है। अच्छा डालना कुकिंग ऑयल जहाँ मांगता वहाँ डालना। लेकिन आपके जागरण में हम भरपूर साथ दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यार काम नहीं करने दे रहे आपको। बड़ा कर किया आपने, मैरिनेट हो चुका है 4 घंटे पर बात कर रहे हैं। हमने मैरिनेट, अच्छा लेमन जूस भी ऐड करना है 1 टीस्पून, ठीक है मैं भूल गई थी। बात तो इतनी कर देना कि मैं भूल ही जाती हूं सारी चीजें। अब आपने इसको बनाना है। अब ये हमारे पास बटर आ गया, इसको मैं हटा देती हूं। बनाना तो नहीं है, नहीं इसको पकाना है। बनाना रिपब्लिक ऐसे उर्दू वाला, चलिए ठीक है। इसको हमने यहाँ रख दूंगी मैं। अब आपने इसको अच्छे से पका लेना है, थोड़ा सा बस 2 स्टेप में ये बनेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। और अब सेकंड मसाला जो है हम अपना वो तैयार कर लेते हैं। हाँ सेकंड जो दूसरी चीज़ें हैं वेजिटेबल में इसको रख देती हूँ। अच्छा एक बहुत अच्छा काम करते हैं वेजिटेबल्स में। हाँ इसमें तैयारी करके क्यों नहीं आती? नहीं नहीं मैं अभी अभी मैंने देखी ना वो जो होती है अलग अलग चीज़ें होती है दिमाग में आती है ना फौरन, ये मसाला इसके अंदर आप ये डाल दें वेजिटेबल्स, ठीक है। ये वाली हमारे पास ये बंद गोभी डाल दूं? हाँ सारी डाल दें, बंद गोभी है और इसको घुमाऊं? वो आप इसके अंदर घुमाएं। और इसके अंदर हमने गाजर ये ऐड कर देना है और इसमें दोबारा आपने काली मिर्च शामिल करनी है,
ये हमारे पास थे शिमला मिर्च रेड वाले गाजर के, यहाँ काली मिर्च कितनी थोड़ी सी हाफ टी स्पून, और ये वाले शिमला मिर्च ले लें और इसमें नमक डाल दें, ठीक है, हाँ इसमें नमक डाल दें, और वाइट ये वाला जीरा था वो ऐड कर लें, ठीक है, थोड़ा सा ऐड कर लें, टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए पहले मैं सोचा था मैं ऐसे ही इसको मैं कर लेती हूँ फ्राई, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं मसाले भी ऐड करने चाहिए, तो अच्छा होता है ना। किचन में जब खड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में नई नई जो चीजें होती है ना, आइडियाज आते रहते हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता? आप किचन में जाते कब है? अभी आया हूं, लेकिन अभी मैं ये कोई आइडिया नहीं आ रहा। चलिए अब आपने बनाना है यहाँ पर जामे कर्शी का जामे शीरी बनाना है, और कर्शी का जामे शीरी पाकिस्तान ड्रिंक है। चले जाए आप वहाँ पर, आइस ले, मलंगा है, लेमन जूस है, किधर बनाओ है? रखी हुई है, आप बाद में यहाँ से बना सकते हो। बस इसको हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर में, अभी मैं इसको पलट देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो आप उधर क्यों चले गए? ऐसे आप मेरी हेल्प करेंगे? देखिए इसको आप लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर चले गए, यहाँ पर आप आए ना इसको पलटे। कर्शी का जामे शीरी बना है, किसका इंतजार कर रहे हैं? चमचा देना, क्या कितना डालूं? मैं दे देती हूँ आपको, स्पून दे देती हूँ मैं आपको। चलो यहीं से कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाए, अंदर आ जाए ना, छोड़े कहाँ चले गए आप, हमें छोड़ कर कहाँ चले गए, तुम ढूंढ रहे थे आप? वैसे ही मैंने इधर के वहां से तफरी करने गए थे, थक गए थे। लेमन जूस में बालंगा वो आपने करना है, वसीम जो बना रहे हैं कर्शी का जामे शीरी, पाकिस्तान का नंबर वन फेवरेट शरबत है, इसीलिए तो सहर हो या रौनक रमजान, लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामे शीरी सब पीते हैं। तो कर्शी जामे शीरी आपने पानी ऐड करना है, लेमन जूस ऐड करना है, यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर देती हूँ, मेरे पास यहाँ बटर था, और बस ये थोड़ी सी देर में पक जाएगा। चिकन की ये तो खास बात होती है कि बहुत जल्दी जल्दी ये बन जाता है, इसमें देर नहीं लगती। थोड़ा रेस्ट कर वेजिटेबल्स दे दे, ज्यादा डाल दिया वेजिटेबल्स दे रहे, सब्जियाँ ये ले, सब्जियाँ मुझे दे दीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं ऐड कर दिया, कोई बात। अच्छा कर्ची को ना ग्लास में डालने में दिल बहुत बड़ा हो जाता है, मैंने एक चीज देखी है ना, और मसाले ऐड कर रहे होते तो दिल बहुत छोटा हो जाता है, छोटी छोटी स्पून लेते हैं। अब तो पानी डाले ना, बस खत्म, पानी तो डाले तो बताएंगे तो करेंगे, बता नहीं रही कैसे हो सकता है, कजन को बता रही है। यानी आप ये सोचिए, रात में मैंने इनको एक वीडियो भेजनी थी, अभी सुबह से मुझे कह रहे हैं वो वीडियो भेजे, मैंने इनको टैग किया कि ये मैंने वीडियो भेज दी आपको, कह रहे हैं यही जो वीडियो आपने भेजी है ये दोबारा भेजे मुझे। अच्छा ये दोबारा भेजे, क्यों ऐसा? नहीं ये वीडियो मुझे भेज दे दोबारा, नहीं ऐसे चल रहे हैं भाई, ऐसे चलते हैं, इनको नींद नहीं होती बंदे की, तो ऐसे ही करता है ना, देखे ना सारे लोगों के लिए जो लोग इतना पसंद करते हैं उनके लिए जाग भी लिया जाए तो क्या बात है ना। अब तुक में बालंगा डालिए इसके अंदर, ये जल तो नहीं जाएगा? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, हो गया मेरा कलर, हो गया ना, बस चूल्हा उसको बंद कर देते हैं और थोड़ा पकने दे इसको। हाँ भाई, थोड़ा दबाएंगे ना तो जी, मैं यही कर रहा था। लसित मलंगा कितना? लसित मलंगा बोल देना, आप हमारे खातिर इतना नहीं कर सकते क्या? किसको लसित मलंगा बोल रहा हूँ? पाकिस्तान चिकन को पाकिस्तान चिकन कह सकते हैं? पाकिस्तान चिकन मैंने बोल दिया, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान चिकन है। इसके अंदर लेमन जूस भी डालना है, भूलिएगा नहीं, बर्फ के लिए जगह भाई जान, ना छेड़ मलंगा नू, पूरा ग्लास भर के रख दिया, बर्फ कहाँ जाएगा बताइए, आएगा आ जाएगा। अरे इतना ज्यादा? अच्छा बर्तन बहुत ज्यादा गंदे कर दिए हैं, और जारी बात है भी बर्तन धोने ही पड़ते हैं, ये तो चले जाते हैं, मुझे सारे जो बर्तन है उसको धोने पड़ते हैं। लेमन मैक्स लिक्विड ऑर्डिनरी बार के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा बर्तनों की सफाई करता है, इसका एक ड्रॉप सख्त से सख्त चिकनाई को तेज दूर कर देता है, सही ना, इतना तेज होता है, इतना अच्छा होता है, कितनी चिकनाई जो की हुई है ना उसको साफ कर देता है, और हाथों को कोई नुकसान नहीं होने देता, वरना हम क्या करते हैं कोई बार यूज करते तो हमारे हाथ जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो ये आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आप बर्तन धोते रहे? नहीं, तो ये हमारा देखिए थोड़ा सा ये इसका बस वेजिटेबल्स का पानी हमने ड्राई करना है। अब देखिए एक प्लेटर में कितनी सारी चीजें हैं, चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी है, पोटैटोज भी है, तो ये मेरा प्लेटर है यहाँ पर तैयार है स्टेक का, लेकिन आपने क्या करना है इसको घर पे गर्म करना है। आलू को बॉइल करना है, ये तो मैंने ऐसे साइड लाइन के लिए रखा हुआ है कि बच्चे अगर नहीं खाते तो बच्चे खा लें, उसके लिए रखा हुआ है, हमारे पास एक अच्छा प्लेटर होना चाहिए। हाँ अभी लेकिन जो इसके हाँ बैक साइड है, ठीक है, उसको दबाया था आपने क्योंकि आप कर ले, अरे नहीं 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 ऐसे कर, ठीक बात है, ऐसे ही पूछा था, आपकी मैं क्या करूँ, मैं पूछ भी नहीं तरीके से कर लेंगे, अब आप कर ले, पूछ भी नहीं आपसे, अल्लाह ये क्या हो गया इसको। हाँ ठीक है, ऐसे मैं सेट करके रख दूँ, रख दूँ सेट करके, ये मुझसे नहीं हो रहा था, इजाजत लेनी पड़ती है, इजाजत लेनी पड़ती है। अच्छा ये प्लेटर बनाए, जरूरी नहीं है कि आपके घर पे कोई मेहमान आए, अच्छा मैं इसके खिलाफ हूँ कि कोई गेस्ट आते तब भी आप बहुत अच्छा खाना प्रेजेंट करते हैं, घर वाले जो होते हैं वो रोज के मेहमान होते हैं, ठीक है ना, वो आपका ख्याल रखते हैं आप उनका ख्याल रखें, बस ठीक है स्टेक यहाँ पर रख देते हैं, और ये वेजिटेबल्स है मैंने इसको साइड पे रखनी है। अच्छा आपका क्या क्या स्टेक पे लगा हुआ है?
सब कुछ इस वक्त भाई कर दूं लगा हुआ है। ठीक है, अब हमने में दोनों तरफ से मैंने वेजिटेबल्स, अब देखिए आज फिर हम इंशाल्लाह आएंगे फ्रेश हो जाते हैं। मैंने ये देखा है 4-5 घंटे आप ब्लॉक कर दूंगा अपना। चीज दे दें, चीज भी मुझे, क्या चीज, चीज चीज भी दे दें, टोमेटो केचप भी दे दें। अच्छा मैं जल्दी से ना एक आपको एक चीज बता देती हूँ, चीज जल्दी से बता दें बस। हाँ हाँ बस जल्दी से ही खात्मा होने लगा है। देखिए ये ना हमारे चूल्हे जल्दी ऑन नहीं होते तो मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी हो जाती है कि मुझे जल्दी जल्दी चीजें करनी होती है। हो जाएंगे बस दो मिनट लगेंगे वो वाली चादर चीज मौजूदा चीज। ये तो जो स्टेक होल्डर है इनसे पूछा। ओहो मैं स्टेक होल्डर नहीं, जिसे कोई उठा सके इससे स्टेक नहीं होल्डर नहीं है ना, होता है होल्डर आप ले सकते हैं। कोई अगला सेगमेंट कल का सेगमेंट शुरू हो गया क्या दोबारा से शुरू किया बनाना। मैंने कहा था चीज में ऐड कर रही हूं, फिर आप कहते हैं टाइम नहीं है। मैं ब्रेक लिंगा मॉल बना रहा हूं, नया काम करना शुरू कर दिया। इसको मेल्ट करेंगे जल्दी से, नया चूल्हा चढ़ा दिया फटाफट से। नहीं ना मैंने कहा देखिए इसको बेक करना पड़ता है ना, हर किसी के पास तो ओवन नहीं होते हैं, तो मैंने आसान तरीका बता दिया कि किस तरह से आप अपने घर में इसको इजीली इसको बेक, वो मुझे दे दीजिए पानी, पानी इसको बेक करने का आपको कोई मसला नहीं, इसको मेल्ट करने अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा ज्यादा नहीं इसके ऊपर करने के लिए, और जल्दी जल्दी हो जाएगा। और थोड़ा और डालें ना, टाइम नहीं है बस ठीक है। और हरा धनिया मुझे दे दे, ठीक है। और हमारा और केचप मेरे पास है हरा, बस इसमें नहीं नहीं इसमें मैं इसके ऊपर कर लूँ, ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, हो गई चीज हमारी, नहीं हो गई, हो गई, चलेगी चलेगी, इतनी बहुत तो चलती है। गुड गुड गुड, ओके। इसको मेल्ट करने के लिए हम ओवन में रखें, इतना टाइम जाया करें तो इससे बेहतर है कि मैंने इसको साइड कर दिया। अब या मेरे पास है ये स्पून दे दीजिए छोटी वाली, थैंक यू। प्लेटर अच्छा बनाना है ना मैंने, वेरी नाइस। हरा धनिया डालते हैं इसके ऊपर, बस ये हो गया हमारा भाई, बहुत अच्छे जबरदस्त। ये हमारा पार्मेसान दिखाएं, ओ हो दिखा दिया, दिखा तालियां बजा दे भाई, स्टेक खाए करके, और ये स्टेक होल्डर ने, ये वाह वाह भाई, बहुत सारी तालियां वसीम भाई ने, जो तुख मलंगा उसके लिए भी तालियां बजा दे यार, कशी जामे बालंगा, और जो मैंने इतनी मेहनत की वो उसके लिए पहले बजवा चुके हम तालियां भाई, दोबारा बजा दे यार, ये सेगमेंट से पहले बजवा चुके नहीं अभी बजवाई, जब आप किसी और काम में बिजी थे। हां अच्छी बना, अच्छा बनाया, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच जी फरा। और कम वक्त पाकिस्तान चिकन के लिए क्या बात है, जबरदस्त, कम वक्त में आपने बहुत अच्छी डिश बना दी। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।